इसीलिए मेरे ऐसे काम है थोड़े टेढ़े हैं, मगर क्या करूं मैं, बंदा भी ऐसा ही है। लो जी भाई, अगर आपको आने लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी, आ सकते हो इजीली। और डेली ओपन होता है ऑफिस, है ना, डेली ओपन है, संडे 12 से 6 है। लो बस कहां पे ले आए सर भाई, आज आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं क्या, कुछ दिखाने वाले हैं फिर आज की वीडियो में आपको धमाके दिखाने वाले हैं, बेस दिखाने वाले हैं, रोलिंग बेस हीरा 3 प्रो जो की वेटिंग में चलता है पर फिर भी आपको मिलता है, और जब मिलता है तो यकीन मानिए आपकी जो है सांसें रुक जाती है भाई, मतलब इतना तगड़ा बेस रहने वाला है। अगेन भाई इतने सारे आपको जो सर के कहते हैं प्रोडक्ट रहते हैं आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, हीरा 3 प्रो, इसके अलावा हीरा 1, 2, 3 स्मॉल हीरा, बहुत सारी सीरीज है हमारे हीरा के अंदर, इसके अलावा बहुत सारे मॉडल रहने वाले हैं। किसी को आना है ऑर्डर करना, क्या प्रोसेस होती है बता दो एक बार। बिल्कुल, यहाँ पर आप आ सकते हैं, एड्रेस बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर RZ87 रविनगर एक्सटेंशन गली नंबर 4 है, लैंडमार्क हमारा पड़ता है पार्क हॉस्पिटल, दूसरा लैंडमार्क पड़ता है केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1, और उसके अलावा आप गूगल के ऊपर लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं फ्लो बीट्स। मेरे नंबर दिए गए 7292060404, 9582320146 दो नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके लोकेशन ले सकते हैं, कॉल थोड़ा बिजी रहता है तो प्लीज व्हाट्सएप की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए और वहां पर अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। 21,000 पिन कोड हम लोग कवर कर रहे हैं, 30 कोरियर पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे और सबसे पहले कहां से स्टार्ट करने वाला है फिर आज? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि flowbeats.in वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी है, छोटे छोटे प्रोडक्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे ये डबल देखिए, ये वाले ये जैसे आपके घर टीवी के साथ अटैच करना चाहते हैं, एलईडी के साथ अटैच करना चाहते हैं, ये यहां पर आपको ये मिल जाते हैं, और ये आप देखो इस टाइप के रिंग 2 मॉडल, रिंग 1 मॉडल, बहुत सारे ढेरों मॉडल आपको जो है मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे, पोर्टेबल स्पीकर हो गए हमारे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहां पर, इस तरह से मिल जाएगा आरजीबी लाइट से, प्रॉपर ट्रॉली, छोटी ट्रॉली कह दो आपसे, राइट, इसी टाइप से। और बाकी जो है आगे उसके बाद टावर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 का टावर स्पीकर मिल जाता है, इसके 3-3 इंच के 2 ड्राइवर, 5.5 इंची बेस, 20-30 आईसी के अंदर, 20-50 आईसी के अंदर, 4 आईसी के अंदर ये रहने वाला है। इसके अंदर आपको कैरियो की ऑप्शन भी मिल जाता है आरजीबी लाइट के साथ, यहाँ आपको मिल जाती है डिस्प्ले, पेन ड्राइव मिल जाती है, और बेस का कंट्रोल रहता है, ट्रबल ऑटो कंट्रोल रहता है, 24 इंच हाइट के अंदर रिमोट कंट्रोल के साथ सिंगिंग कर सकते हैं। दोबारा बता दूं आपको, 2000 रुपए के अंदर मिलता है, मैं 3 आईसी के अंदर सिस्टम नहीं बेचता, मेरा 2000 वाला भी 4 आईसी के अंदर है, मार्केट हिलाने आया हूं मैं, इसीलिए मेरे ऐसे काम है थोड़े टेढ़े हैं, मगर क्या करूं मैं, बंदा भी ऐसा ही है। लो जी भाई, ठीक है जी जी, इसके बाद जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना, यहाँ पर आप देखिए 3000 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाता है, जिस मॉडल का नाम है 015, जिसके अंदर आपको 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्विटर मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर 72-65 आईसी आपको मिल जाती है, जबकि नॉर्मली आपको 20-50 आईसी मिलती है, वो भी बुरी नहीं है, पर मेरा काम पहले दौर थोड़ा हटके रहता है क्योंकि मैं बंदा भी हटके हूँ। यहाँ पर आपको 8 इंची सब ऊपर मिलता है 90 मैग्नेट के अंदर, और इसके अंदर आपको कैरियो के ऑप्शन मिलता है, सिंगिंग भी कर सकते हैं, हमिंग का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है, हमिंग फ्री प्रोडक्ट है, डिस्टॉर्शन फ्री है, बिल्कुल भी आपको जो है फ्रीक्वेंटली आप सिंगिंग कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, डीप बेस के अंदर ये प्रोडक्ट रहने वाला है, तो एक बार इसको प्ले कर देते हैं, प्राइस बताएंगे इसको उसके प्ले करने के बाद। ठीक है जी, तो बस ऐसे रहने वाला कुछ इस वाले टावर का आउटपुट, प्राइस की बात कर दो बाजी एक बार, क्या रहने वाला है? 3000 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। एक बात बता दूं कि ये साउंड सिग्नेचर जो है इसका डीप बेस के अंदर रहने वाला है, और लाउड के अंदर है, कमरे के अंदर आपको लाउड म्यूजिक चाहिए, कमरे के अंदर आप पार्टी करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए। इसका जो है दूसरा वेरियंट आपको ये 017 मॉडल मिल जाता है, यहाँ पर इसमें भी सामने आपको लाइट मिल जाती है, इसके कंट्रोल जो है ऊपर रहने वाले, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल। और प्राइस की बात करें तो 3300 इसका प्राइस है, 3300 रुपए, बट साउंड सिग्नेचर दोनों का सेम रहने वाला है, बस लुक थोड़ी हो जाएगी चेंज, जिसके अंदर 3300 रुपए आपको मिल जाता है ये वाला टावर हमारा। जी हाँ, बात कर लेते हैं एक और टावर की, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा टावर हो जो सॉफ्ट म्यूजिक के अंदर हो, मगर उसके अंदर बेस जो है डीप बेस के साथ साथ और भी मतलब अल्ट्रा डीप बेस के अंदर चाहिए, तो आपको ये FTS 10 मॉडल मिल जाएगा, जो एक अकेला मॉडल ऐसा निकला है जिसके अंदर आपको अल्ट्रा डीप बेस मिल जाती है, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्विटर, एयर वेंटिलेशन पाइप आपको फ्रंट में मिलता है, सामने आपको शैंपेन कलर के अंदर मिलता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रोडक्ट जो बहुत सिंपल सोफर होते हैं, मैं फोकस करता हूँ साउंड के अंदर, बेस के अंदर, इसका जो है साउंड का सिग्नेचर, बेस का सिग्नेचर अल्ट्रा डीप बेस है, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्लो वॉल्यूम के अंदर आपको पूरा बेस देगा, और इसके अंदर एक चीज और है कि इसकी जो वोकल्स है वो बहुत क्लियर है, बीट्स भी बहुत क्लियर है, बट लाउड नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो स्लो म्यूजिक के अंदर या फिर जो सारा दिन सुनना चाहते हैं और इनको इरिटेट ना, उनके दिमाग के ऊपर जो है
असर ना हो ज्यादा, जैसे होता है कि चुपती है वॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार इसको प्ले करते हैं, 8 इंच का सबवूफर है, एक बार इसको भी हम करके चला के दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। FTS 10 मॉडल। एक चीज और इसकी दिखाता हूँ, मैंने अभी आपको ये फुल वॉल्यूम के अंदर सुनाई, पर इसको स्लो वॉल्यूम के अंदर सुनते हैं कि स्लो वॉल्यूम में जो बात करता हूँ कि आपको जो है लोअर फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है वो कैसी रहने वाली है। हेडफोन्स लगा के रखिए तभी मेरी बातों को सुनने का फायदा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए एक बार इसको स्लो वॉल्यूम में प्ले करते हैं हम लोग। तो अगर आप फील कर पा रहे हैं तो स्लो वॉल्यूम के अंदर इस टाइम आपको बेस भरपूर पूरा मिल रहा होगा, जो कि फ्लो बीट्स की स्पेशलिटी है। ये FTS 10 के अलावा आपको हीरा सीरीज के अंदर भी सब में मिल जाती है लोअर फ्रीक्वेंसी और रोलिंग बेस। तो प्राइस की बात करें तो 3800 इसका प्राइस है। ये भी सिंगल टावर आपको मिल जाता है, मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, मेरे नंबर दिए गए वहां से भी आप इसको कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपना स्मॉल हीरा मात्र 5500 रुपए के अंदर आपको मिलता है रोलिंग बेस के अंदर। सबसे पहला टावर स्पीकर, डबल टावर 24 इंच हाइट के अंदर, 2 टावर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 2 मिड रेंज, 2 ट्यूटर, 60 60 मैग्नेट। तो वहीं पर आपको यहाँ 8 इंची सबवूफर मिल जाता है, तो 7294 आईसी के अंदर लगा हुआ है और एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट है, 2-वे चैनल इसका सर्किट है। यहाँ की बेस का जो है सर्किट वो अलग दिया गया है और इसके जो ट्यूटर मिड रेंज है उसका सर्किट अलग है, डबल परफॉर्म करता है। यही कारण है कि आपको रोलिंग बेस की फील आती है, पूरी वाइब्रेशन आती है। और 10-15 हजार के प्रोडक्ट के किसी की जो है उससे आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा, साउंड आपको पता लग जाएगा। और बात करें फील आपको वही देगा जो आपको गाड़ियों में मिलती है, सेम भाई, जी हाँ सेम। और इसके अलावा आपको यहाँ नीचे जो है हीरा 2 नजर आ रहा है, हीरा 2 जो है 33 इंच हाइट के अंदर, डबल टावर है, 2 मिड रेंज, 2 ट्यूटर, 60 मैग्नेट, वही आपको 10-10 इंची, 2 सबवूफर मिल जाते हैं, 120 मैग्नेट। एक खास चीज की तरफ ध्यान देना कि मेरे जितने भी टावर रहते हैं हीरा सीरीज के वो टोटल वुडन के अंदर होते हैं, उनमें प्लास्टिक का यूज कम किया जाता है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रोलिंग बेस है, कंपन बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं पर डिस्टॉर्शन आपको पैदा करे, हमिंग ना हो, इसीलिए जो मैं ज्यादातर आप देखेंगे तो सिंपल किस तरीके के जो है हीरा सीरीज को बनाता हूँ। यहाँ हीरा 2 की बात करें तो इसके अंदर भी सबवूफर सर्किट आपको मिल जाता है जिसमें आपको पूरी जो है फील आती है रोलिंग बेस की। प्राइस इसका मात्र 8200 रुपीस है, जी हाँ। इसके बाद मैं आगे आपको लेके चलता हूँ अपने हीरा 3, जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, हीरा 3 और हीरा 3 प्रो। ये लो सर, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आज हीरा 3 प्रो, आज भी वेटिंग के ऊपर चल रहा है, 45 दिन की वेटिंग है, बीच में थोड़ी सी कम मैंने करने की कोशिश की, मगर आपने उतने ही ज्यादा ऑर्डर जो है देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये जो है इसकी वेटिंग और ज्यादा बढ़ चुकी है। पर मैं बात करूंगा अभी हीरा 3 की। हीरा 3 डबल टावर 38 इंच हाइट के अंदर, 5.5 इंची मिड रेंज मिल जाती है आपको, वो भी बूफर कॉन के अंदर, सामने डस्ट कैप आपको अंदर देखेंगे तो रस्ट कलर में मिल जाती है, वहीं 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर मिलते हैं, बिल्कुल साइलेंट प्रोडक्ट है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन आपको बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता। और इसके अंदर आपको 10-10 इंची 2 सबवूफर लगे हैं 135 मैग्नेट के अंदर। अंदर सर्किट की बात करें तो मॉस्फेट सर्किट इसके अंदर मिल जाता है आपको, जापान तोशिबा के मॉस्फेट लगे हुए हैं ओरिजिनल। वही हीट सिंक आपको दिखाया था, यहाँ पर देखेंगे तो मॉन्स्टर हीट सिंक मिलती है, ये मार्केट की हीट सिंक जो यूज करते हैं लोग, वही हम लोग देखेंगे कैसी हीट सिंक यूज करते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक प्ले करने का मौका मिले और आप एम्बेरस ना हो और शादी पार्टियों में आप लंबे टाइम तक इसको चला पाए। सबसे बड़ी बात यह, इसके जो अंदर जो सबवूफर लगा है उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया, वो अपने आपको ऑटो एडजस्टेबल बोर्ड में लेके जाता है सिस्टम को, और आप कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी ईयर का 90s के सॉन्ग या प्ले करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर ओवर बेस आ रही है, यहाँ इसके अंदर बेस अच्छी नहीं आ रही, ये एक इसकी खास बात है। और वोकल्स इसके बहुत आई हैं, आउटडोर में भी यूज करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, 100% रोलिंग बेस के अंदर है और 13 mm कैबिनेट की थिकनेस है। चलिए एक बार इसको प्ले करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ आउटपुट रहने वाला है हीरा 3 का। इसको एक बार स्लो में चला लेते हैं, तो चलिए एक बार स्लो में सुनते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। तो गाइस इतने स्लो वॉल्यूम में भी आपको बेस प्रॉपर मिलता है, देखो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलती कि स्लो वॉल्यूम के अंदर आपको बेस मिले और फुल वॉल्यूम के अंदर आपको ऐसा वाइब्रेशन वाला बेस कहीं नहीं मिलता। मैं एक चीज आपको ठोक के बोलता हूँ कि जिसके पास पहुंचता है वो मेरी 150 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे हटके खड़ा होता है, और जिसके पास ये नहीं है वो एक बदकिस्मत बंदा है, मैं क्लियर ये बात बोलता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे सकता, कोई ऐसी बेस नहीं दे सकता, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं दे सकता।
ठीक है। बात करते हैं आगे हीरा 3 प्रो की। हीरा 3 प्रो के अंदर आपको 6-6 इंच के दो मिड रेंज मिल जाते हैं, वहीं 4-4 इंच के दो ट्यूटर। ठीक है, अब आगे बात करें इसके बूफर्स की, तो इसके अंदर आपको जो है 10-10 इंची 120 मैग्नेट के चार जो है सब बूफर्स मिलते हैं, और वहीं पर आपको मॉस्फेट सर्किट मिलता है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर प्रोग्रामिंग आईसी लगी हुई है, जिससे कि आपको इसके वोकल्स, बेस और ट्रबल आपस में एक दूसरे को मिसमैच नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, सब अपने अपने वे में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। और वहीं पर ही इसके अंदर जो है मॉस्फेट सर्किट लगा है, जो 5200 तोशिबा के चार मॉस्फेट लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 13 mm कैबिनेट वुडन की थिकनेस है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वुडन है ये पेस्टिंग से नहीं बनी, नॉर्मल जितनी भी वुडन होती है वो पेस्टिंग से होती है। मैं हर बार ये बात आपको बताता हूँ कि ये इसकी बहुत खास है, इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि बेस इसके अंदर इतना ज्यादा हैवी है, कहीं वोकल जो है इसको डिस्टर्ब ना कर दे, या कहीं कैबिनेट में डिस्टॉर्शन पैदा ना कर दे बेस, इसीलिए जो है इसको इस टाइप से बनाया गया, डिजाइन किया गया है। एक बार इसको भी प्ले कर लेते हैं, और इसका जो एक खास बात और कि इसके अंदर जो बेस आपको ड्रॉप नहीं मिलेगी, वहां लैग नहीं मिलेगा बेस का, यानी जब पंच आएगा तो एकदम फ्रीक्वेंटली पंच आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसका 7.5 एम्पीयर का रखा गया है। बस ये इसकी खास चीज है जो कि इसको हटके बनाती है दूसरों से, और यकीन मानिए आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा बेस नहीं सुना होगा इस प्राइस के अंदर। एक बार यहाँ पर जरूर आइए, जिसने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, वो भी जिसने नहीं परचेस किया वो एक बार जरूर आए, हमारे आसपास के लोग तो भले ही जरूर आना चाहिए, और बाकी लोग जो हेडफोन्स लगा लीजिए, आपको इसका भी साउंड आप टेस्टिंग देंगे, ताकि आप समझ पाए के फ्लो बीट्स कहाँ डिजर्व करता है। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, हेडफोन से सिस्टम को सुनने के बाद, कोई भी वीडियो सुन लीजिए, कोई भी सिस्टम के साउंड जो हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए इसको भी प्ले करते हैं हम लोग। हीरा 3 प्रो फील कीजिएगा इसके पंच को, अगर आप नहीं फील कर पाए तो दोबारा इसको पीछे ले जाके हेडफोन लगा के प्ले करो प्रॉपर। बिल्कुल। प्राइस की बात करते हैं, प्राइस सिर्फ 13,000 में, बट सिर्फ एक चीज बता दूं कि आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, 40 दिन की इसकी वेटिंग चल रही है। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले यही चीज लिखी जाएगी कि गाड़ियां तो वेटिंग में थी, पर ये म्यूजिक सिस्टम आज पहली बार वेटिंग में, पर क्या करें, आप लोगों का प्यार इतना है और मेरी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, तो बस यही एक वजह है, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ और खुद बेचता हूँ, इन द मतलब कि हम किसी से आउटसोर्सिंग नहीं करते भाई, ये मेरी खुद की टीम लगी है, मेरी खुद की मेहनत है जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और आप लोगों का प्यार है। लो जी, जो इतनी वेटिंग में चल रहा है स्पीकर, ये देखो जी। ठीक है जी, बाकी इसको आना हो तो लोकेशन क्या रहती है बता दो सर। लोकेशन RZ87 रविनगर एक्सटेंशन गली नंबर 4 है, केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1 लैंडमार्क है, सेकंड लैंडमार्क पार्क हॉस्पिटल है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन सुभाष नगर पड़ेगा, वहां से आप 3 किलोमीटर रिक्शा करके यहाँ पार्क हॉस्पिटल लैंडमार्क पे आ जाइए। गूगल मैप के ऊपर सर्च कीजिए फ्लोबिट्स, मेरी लोकेशन पे आएंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये अभी मेरी शुरुआत है, हालांकि आप लोगों के हिसाब से या जितने भी मैन्युफैक्चरर उनके हिसाब से बेस का अंत है, पर मेरी यहाँ पर शुरुआत है, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑन द वे हैं, और रियलिटी बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को बदल के रख दूंगा, और आप लोगों को ऐसी ऐसे नायाब चीजें दे दूंगा कि आप जरूर याद रखेंगे फ्लो बिट्स को आने वाले टाइम तक, आने वाले सदी तक, ये मेरा वादा है आपसे। लो भाई, ठीक है, चैलेंज है।